तो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइज आप सभी कैसे हैं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस न्यू व्लॉग वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल कर लीजिएगा। गाइज आज की ब्लॉगिंग वीडियो खेत में मैं घूमने आया हूं और शूट कर रहा हूं। तो गाइज ये मेरे साथ, इधर ताको समर, ये मेरे साथ ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरा फुआ का बेटा है। तो गाइज ये अभी कुछ दिन पहले छठ पर्व जो बीती है उसी में ये लोग घर पे आया हुआ था पर्व देखने के लिए, अपने ये नानी का लाया हुआ था, मतलब मेरे यहाँ नानी का लाया हुआ था अपना ये पर्व देखने। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है, लगभग टाइम आप लोगों को बतला दूँ 3:39 हो रही है और अभी मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर पूरब की तरफ आया हूँ, जहाँ पे घटारो रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे मैं रनिंग भी करता था। आप लोगों को रनिंग का भी हमारा वीडियो आ रहा होगा, मैं आप लोगों को एक बार कैमरा स्क्रॉल करके दिखा देना चाहूँगा कि घटारो स्टेशन वहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो घटारो। एक बार जूम भी कर रहा हूँ गाइज, एक बार आपको जूम करके मैं दिखा दूं कि वही है वो घटारो स्टेशन जहाँ पे हम लोग रनिंग करने जा रहे थे, आप लोग देख सकते हो। और गाइज आज वहीं पे इसको लेकर, समर इधर आओ, वहीं पे आज इसको लेकर हम लोग घूमने आए हैं। तो गाइज घूमने आए हैं और साथ ही इस वीडियो में आप लोगों को एक बात और बतला देना चाहूँगा कि जो आप हरियाली देख रहे हो, साथ ही मेरा तो धान कट गया है। इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग वीडियो बनाई थी और उसमें आप लोगों को मैंने धान रोपते हुए दिखाया था कि धान का खेती हमारे तरफ कैसा होता है। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो फिलहाल धान फड़ कर पूरा तैयार हो चुकी है और कट भी रही है। तो गाइज ये जो खेत आप लोग देख सकते हो जो अभी कट गया है, ये मेरा धान का प्लॉट है और कट चुका है। और हमारे अभी उधर में भी धान है जिसमें मैंने रोपी थी और ब्लॉग वीडियो बनाई थी, तो अभी नहीं कटे हैं। मतलब जो व्यक्ति जो काटने वाले होते हैं ना, वो थोड़ा अभी काम में व्यस्त चल रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा कर करके काट रहे हैं। और समर को देख लीजिए कितना शरारती बच्चा है, ये 2 दिन से मुझे तंग कर रहा है कि भैया चलो चलो चलो, फिर और फिर अभी पुशअप मार रहा है, 2 दिन से तंग कर रहा है, चलो चलो। एक दिन मैंने इसको लेकर आया था और यहीं पे ये पुल है, इसके उधर में जो रोड है वहाँ पे मैं इसको लेकर आया था, और एक दिन इसको बाइक हल्का सा चलाने के लिए सिखा दिया था, बस स्टेयरिंग धर रहा था, उस दिन से मुझे तंग कर रहा है कि भैया चलो चलो और बाइक मुझे भी चलाना ये हो, तो इसीलिए अभी लेकर आया हूँ। अभी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इसको लेके गया था और इसको भी मैंने चला के सिखाया थोड़ा सा, बट उतना तो अभी छोटा सा बच्चा है, आप लोग देख सकते हो कितना छोटा बच्चा है। तो गाइस आज की ब्लॉगिंग वीडियो इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि बहुत दिन बाद मैं अपने इस खेत की तरफ आया हूँ और वो जो अपना स्टेफन की तरफ, जहाँ पे मैं और विशाल भाई और हमारे बहुत सारे फ्रेंड जो रनिंग कर रहे थे, कंटिन्यू रनिंग हम लोग का हो रहा था। विशाल भाई तो चला गया पढ़ाई करने, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि विशाल भाई तो पुणे पढ़ाई करने के लिए चला गया और बचा मैं, तो मैं फिलहाल अभी आर्मी का ही तैयारी कर रहा हूँ। और गाइज अभी FFCGD की फॉर्म आ चुकी है तो उसमें अप्लाई करूंगा, फिर रनिंग कंटिन्यू हम लोग का होगा और शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो रनिंग पे रिलेटेड लगातार आती रहेगी। तो गाइज आज की ब्लॉगिंग वीडियो बस इसी पे मैं खत्म करता हूँ, साथ ही फरारती बच्चा पे भी बात करता हूँ। फिर मैं इधर आओ, अभी देखिए यार है गाय जिससे बात कीजिए, ये समर है और इसका भी वीडियो मैंने भी लगभग अपलोड किया है बहुत सारा, तो इसे ये भी बहुत शरारती है और अच्छा अच्छा वीडियो और डांस भी करता है। तो गाइज इसके लिए इसका फोर्थ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसका यूट्यूब चैनल समर सिंह ब्लॉग है उस पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कैसी ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।